और सेम आइसक्रीम के जैसे। वेलकम दोस्तों, मैड थिंग्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, गर्मी स्टार्ट हो गई और इन गर्मियों में आइसक्रीम सभी को अच्छी लगती है। आज हमारे पास है काफी सारी कोल्ड ड्रिंक। आज इन्हीं सभी कोल्ड ड्रिंक का हम अपने घर पर स्पेशल तरीके से या जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। ऐसी तरीका होगा कि आज तक आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी आइसक्रीम जमती है। तो चलो गाइस, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस ड्यू का नंबर लेते हैं। दोस्तों आइसक्रीम जमाने के लिए एक स्पेशल सांचा होता है जो आइसक्रीम बनती है, तो आज हमारे पास ना तो सांचा है, हम चाहते हैं कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है इस शेप में हमारी आइसक्रीम बने। तो चलो गाइस, अब इसकी आइसक्रीम कैसे बनाएं हम। तो गाइस सबसे पहले इस कोल्ड ड्रिंक को गिलास में निकालते हैं। हमने बोतल को खाली कर लिया और हम चाहते हैं कि इस बोतल में दो आइसक्रीम बने, तो हम बीच से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास कटर है। गाइज हमारे सांचे हैं वो तैयार हो गए, अब इसके अंदर डालते हैं कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों अब ये फैंटा की बारी आती है, इसको अब गिलास में खाली कर लेते हैं। दोस्तों हमने ड्यू को तो दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया नॉर्मल तरीके से, लेकिन गाइस हम चाहते हैं कि इसकी कुछ अलग तरीके से शेप बने, तो इसको सीधा ऐसे के ऐसे कटिंग करते हैं। दोस्तों हमने इसका अलग शेप से कटिंग कर ली, अब इसमें कोल्ड ड्रिंक भर लेते हैं। गाइस अब एपी फिज की बारी आती है। देखो इसका आकार भी बहुत ही छोटा है, तो इसको यार डायरेक्ट यहां से कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये ऐसे लग रही है जो पहले काफ़ी टाइम पहले ऐसे वो गोल गोल अंडे आते थे ना, उसकी जैसे लग रही है। तो चलो गाइज ये इसकी भी काम हो गया। गाइज अब बारी आती है माजा की और रियल फ्रूट की। गाइज इनके बीच में से कटिंग तो नहीं हो सकती, इनके ऊपर से कटिंग करते हैं। दोस्तों आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ मैंगो वाली आइसक्रीम आती है, वो 20-30 रुपए की आती है, लेकिन गाइज आज हमने 10 रुपए की माजा ली है और आज 10 रुपए की आइसक्रीम बना करके देखेंगे, वो भी अपने घर पर। गाइज आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो चलो गाइज अब रियल फ्रूट है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है, देखो हमारे पास कितनी सारी आइसक्रीम हो गई। तो चलो गाइस इसमें डंडी लगा देते हैं, अभी इन डंडियों को डायरेक्ट रख देते हैं, घंटे भर बाद में इसको संभालना पड़ेगा एक बार। तो चलो गाइस इन सभी को फ्रीजर में लगाते हैं। गाइस हमने पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो फ्रीजर में लगा दी, इसको बंद कर देते हैं। The next day. गाइज हमारी आइसक्रीम है वो जम करके रेडी हो गई है और अब इनका टेस्ट करके देखते हैं इनमें कैसा क्या मज़ा आता है। दोस्तों पहले ये रियल जूस है, इसकी कटिंग करते हैं, इसके कवर को हटाते हैं ऊपर से। देखो यार वाव यार, ये तो सेम आइसक्रीम के जैसे, क्या बात है यार। गाइज हमने रियल जूस की आइसक्रीम बनाई। अगर ये आइसक्रीम आप मार्केट से लोगे ना तो 50 रुपए की मिलेगी, लेकिन यार हमने 20 रुपए का ये पैकेट लाया और उससे आइसक्रीम बनाई, यार काफ़ी मज़ा आएगा। हम इस ड्यू को निकालते हैं, लेकिन ऐसे तो निकलेगी नहीं, इसकी कटिंग करते हैं। देखो यार ये तो बोतल के आकार की आइसक्रीम बन गई, जो नीचे का पैंदा आता है ना उसके आकार की। तो चलो गाइज इसका टेस्ट करके देखते हैं। यार इसमें ड्यू और आइसक्रीम दोनों का मजा है,
इसमें भी यार वही मजा आएगा। तो चलो अब फेंटा को खोल करके देखते हैं। ये है फेंटा की जो हमने स्पेशल शेप में इसको आइसक्रीम को बनाया, एपी फीज को रटाते हैं। गाइस देखो इसका भी आकार अच्छा है। दोस्तों इन सब आइसक्रीम में सबसे अच्छी आइसक्रीम आप लोगों को कौन सी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ दोस्तों आप अपने घर पर ऐसी आइसक्रीम ज़रूर बनाना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।